प्यारे बच्चों, अब हम चंद्र बिंदु का पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पाठ का नाम है गाँव का ऊँट। क्या नाम है? गाँव का ऊँट। मीन्स बेटा ये गाँव का चित्र है और इसमें बेटा ये ऊँट है, सांप है और ये कौन है? सपेरा है और एक लड़की है। ठीक है, और ये कुएं के पास सपेरा बैठा है। ठीक है, पहले हम बेटा इस पाठ को पढ़ते हैं और फिर उससे इन चित्रों को समझते हैं। ठीक है बेटा, ओपन योर हिंदी बुक एंड ओपन पेज नंबर 47। ओके, आओ शुरू करते हैं। गाँव में था एक बूढ़ा ऊँट। गाँव में था एक बूढ़ा ऊँट, मीन्स गाँव में एक बूढ़ा ऊँट था। ठीक है, उसकी थी छोटी सी पूँछ, और उसकी एक छोटी सी पूँछ थी। ठीक है, ऊँट की छोटी पूँछ होती है ना। रहती बंद हमेशा आँख, और उसकी आँख जो होती थी ना बेटा, वो हमेशा बंद रहती थी। रहती बंद हमेशा आँख, उसकी आँख हमेशा बंद रहती थी। मुंह में था न कोई दांत, और उसके मुंह में, ऊँट के मुंह में कोई भी बेटा दांत नहीं था। ठीक है, पानी पीने गया कुएं पर, और ऊँट जो है वो पानी, उसको प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए कहाँ पर गया? कुएं पर गया। देखो ये ऊँट है और ये कहाँ पे आया है? पानी पीने के लिए कुएं के पास आया है। उसने झाँका इसके अंदर, उसने बेटा इसके अंदर झाँका, कुएं के अंदर देखा। ठीक है, पाई न उसने एक भी बूंद, मीन्स उसमें एक भी बूंद पानी नहीं था। ठीक है, वो पानी पीने के लिए आया था, उसने में जो है वो जो कुआ था उसके अंदर देखा और उसमें एक भी बूंद पानी नहीं था। सुनी सांप की ऊंची फूंक, और सांप की उसने ऊंची फूंक सुनी। ठीक है, मीन्स जैसे सांप जो होता है वो आवाज़ निकालता है ना, तो ऊंची फूंक सुनी थी उसने। ठीक है, गले में लिपटा देखा सांप, और उसने फिर क्या देखा कि उसके गले में सांप लिपट गया है। देखो इस चित्र में, देखो इसमें, देखो क्या है, ये ऊँट का चित्र है और इसके गर्दन पे यानी गले पे जो है एक सांप लिपटा हुआ है। ठीक है, लगी कांपने उसकी टांग, मतलब उस सांप को देखकर उसकी जो टांगे थी वो कांपने लग गई। अब आप भी सांप को देख लेते हो बेटा तो आप भी कांपने लग जाते हो ना, कि अब क्या, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ऊँट भी सांप को देखकर उसकी टांगे कांपने लग गई थी। ठीक है, इतने में हो गई सांझ, इतने में हो गई सांझ, मीन्स इतने में फिर क्या हो गई बेटा? शाम हो गई, सांझ हो गई। सांझ का मीनिंग क्या है? शाम हो गई। ठीक है, रात बड़ी और निकला चांद, मीन्स अब शाम हो गई तो बेटा शाम के बाद क्या होती है? रात होती है ना, तो रात होने लग गई थी और चांद निकल आया था। ठीक है, देखो ये क्या है, चांद है और तारे हैं। रात को तो क्या आता है? चांद आता है और तारे आते हैं। ठीक है, गीता ने एक सपेरा बुलाया, और बेटा जो ये लड़की है इस चित्र में, देखो ये लड़की है, इसका नाम क्या है? गीता। और इस गीता ने उसको देख रही थी कि ऊँट के ऊपर क्या हो गया, एक सांप लिपट गया है। उसने क्या किया, जल्दी से एक सपेरे को बुला लिया। ठीक है, और सपेरा पे बेटा ये नहीं आएगा चंद्रबिंदु, इसको हटा देना। गीता ने एक सपेरा बुलाया, गीता ने एक सपेरा बुला लिया। समय जरा भी नहीं गवाया, मीन्स उसने कोई भी समय वेस्ट नहीं किया। जैसे ही उसने उसको देखा कि ऊँट पर
सांप लिपटा हुआ है, उसने फटाफट से सपेरा को बुला लिया। ठीक है, सुनी सांप ने बीन की तान, और सपेरा आया और उसने अपनी जो बीन थी, देखो ये सपेरे के पास बीन है ना, इसको बजाना शुरू कर दिया। तो सांप ने जो बीन की तान थी, जो धुन थी, वो सुननी शुरू कर दी। ठीक है, शुरू की, उसने बजाना शुरू किया, वो सुन रहा था सांप उस बीन की आवाज़ को। बचाकर भागा अपनी जान, और फिर वो उससे ऊँट से उतर गया और अपनी जान बचाकर भाग गया। ठीक है, नहीं तो सपेरा क्या करता, उसको पकड़ लेता ना। ठीक है, और फिर बचाकर भागा अपनी जान। ओके बेटा, क्या था, एक गांव में एक बूढ़ा ऊँट था, उसकी क्या थी, छोटी पूँछ थी, और उसकी आंखें क्या थी, बंद। ठीक है, उसको प्यास लगी थी और वो कुएं के पास आया पानी पीने के लिए। ठीक है, और उसकी उसके मुंह में दांत भी नहीं थे, और उसने कुएं में देखा तो उसमें एक भी बूंद पानी नहीं था। ठीक है, और उसने फिर क्या देखा, उसकी सांप की उसकी आवाज़ आई और उसने देखा कि उसकी गर्दन पे तो सांप लटका हुआ है, सांप लिपटा हुआ है। ठीक है, तो उसकी टांगें कांपने लग गई और रात हो गई थी। ठीक है, और चांद भी निकल आया था, और गीता ने क्या किया, ये सब देखा, और गीता ने बिना टाइम वेस्ट किए और एक सपेरे को बुला लिया। ठीक है, और उसने क्या किया, सपेरे ने बीन बजाई और जो है सांप उसके मां से हट गया और उसकी जान बच गई। ओके,